Jackson. You called it Bulle Museum, but Gulmarg Army Museum. Thank you, man. And probably the visa also, man. Oh, nice. धरती पर स्वर्ग कहलाने वाली जगह कश्मीर के गुलमर्ग में इस वक्त मैं मौजूद हूं। साल के 12 महीने पर्यटकों का मेला लगा रहता है यही इसी गुलमर्ग में, और आज फौज की जानिब से एक पहल की गई है। फौज ने पर्यटकों के लिए एक म्यूजियम कायम किया गया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो म्यूजियम है। और आइए मैं आपको इसके अंदर के नज़ारे दिखाता हूँ। The museum part, ma'am. This we start from here. Just give the background. Yes. Sir, somewhere in 2021-22, this idea was conceptualized during General Pandey's time, sir. When initially we thought that we'll have a museum, an auditorium, a souvenir shop, and a cafeteria, sir. So, during the war, the operation segment. Below, sir. The whole theme of the museum is contribution, the nation building contribution by Indian Army and the glorious history of Jammu and Kashmir, sir, which is the other section. गुलमर्ग एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो टूरिस्ट के लिए, जो पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ के आके कुदरती मनाजिर, उसके अलावा जो गंडोला हमारा इतना खूबसूरत है वो देखने को जाते हैं। उसमें इंडियन आर्मी ने एक एड ऑन कर दिया है हमारा ये म्यूज़ियम, जिसमें 1947 से लेकर आज तक जितने भी हमारे जवानों ने अपने देश के लिए शहादत दी है कश्मीर के अंदर, उनकी फ़ोटोज़ और उनकी बहादुरी के किस्से रखे गए हैं, दिखाया गया है कि जो भी मेजर एक्शंस हुए हैं इंडियन आर्मी के वो सब इसी एरिया में हुए हैं, कश्मीर में हुए हैं 47 से लेके 99 तक, और आजकल भी जो भी इंसर्जेंसी हो रही है वो इसी एरिया में हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें जैसे ये म्यूज़ियम है, ये उन सब की याद, वो हीरोज की जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और जिन्होंने भारतवर्ष पर जो संकट आया था उसको उस संकट से निकालने के लिए जो कुछ किया उनकी याद है, और हमें इन हीरोज की याद करना, इन बैटल्स की याद रखना बहुत ज़रूरी है पूरे देशवासियों को। और ये बनी ऐसी जगह पे है जहाँ पूरे देश से लोग आते हैं गुलमर्ग में, वो जब इसको देखेंगे उनको मोटिवेशन होती है और उनको उनके दिल में उन हीरोज के प्रति, उन सैनिकों के प्रति जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया है देश के लिए, उनकी याद आती है एंड दे आर मोटिवेटेड। तो इसलिए मैं समझता हूँ एक बहुत ही क्राइंग नीड जो थी वो इस जगह में बन गई, और अब जो लोग आएंगे वो देखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये जो कश्मीर की रीजन है व्हाट इट हैज गॉन थ्रू, क्या क्या किस मुश्किल से गुजर के इस स्टेज पर पहुंचा है। बेटे की भी यादें जुड़ी है इस म्यूजियम से, थोड़ा सा। मेरा बेटा था लेफ्टिनेंट विजयंत थापर टू राजरेफ में, और वो उन्होंने जो कारगिल की लड़ाई में सबसे पहली जो ट्रोलिंग का बैटल था, बहुत जोरदार बैटल था, उसमें उन्होंने विजय प्राप्त की। उस लड़ाई के अंदर उन्होंने एक पाकिस्तानी पोस्ट जिसका नाम था बर्बाद बंकर, उसको कैप्चर किया। उन्होंने उसके बाद में उन्होंने दूसरे हमले में ब्लैक रॉक्स और थ्री पिंपल, जो कि एक भयानक जगह है, उस पर भी विजय प्राप्त की। हालांकि उनके कंपनी कमांडर भी शहीद हो चुके थे और सब
सीनियर जो उनके थे वो सब लड़ाई में शहीद हो चुके थे, अकेले थे, मात्र 22 वर्ष के थे और उन्होंने अकेले ही उस टास्क को पूरा किया और उसके लिए भारत को हमेशा उन्हें याद रखना चाहिए। जय श्री मोहन नाइस टू गो सागर वरोकर फाइन रिजल्ट ऑफ गैदर सर जैन साहब मैं सरदार मुकेश नरेंद्र आदर साहब ग्रेट हेल्प सर फॉर दिस म्यूजियम जैन साहब हवलदार बहादुर सिंह टेकलाई साहब डिव हेरिटेज सेंटर व्हिच हैज कम अप एट पुनियार सर विद लेजर एंड साउंड शो सर ही हैज पुट इन अ ग्रेट एफर्ट बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो म्यूजियम यहाँ पे बनाया गया है इसमें बिल्कुल इंडियन आर्मी की सभी हिस्ट्री जो है मिलेगी आपको। आप देख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान वार जो है 1947 में हुआ था उसको दर्शाती है ये तस्वीरें और आप देख सकते हैं 1965 में वार हुआ था। गर्व ये है कि इंडियन आर्मी ने जितने भी अभी तक जंगें लड़ी हैं उन सब की हिस्ट्री यहाँ पर लिखी गई है। पिक्चर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं शहीदों की, आप देखें जो भी वीर चक्र अवार्डी है खासतौर पर उनकी तस्वीरें यहाँ लगाई गई हैं। काफ़ी यादें जुड़ी हैं इंडियन आर्मी की सभी जो है इस म्यूज़ियम में रखी गई हैं। आप देख सकते हैं कई लोग जो है यहाँ पर अब आएंगे आने वाले दिनों में और इस वक्त भी जो है मुकामी कई लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं अशोक चक्र के अवार्डी हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कारगिल वार की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इंडियन आर्मी जो नेशनल बिल्डिंग के लिए जो भी काम करती है उनकी तस्वीरें भी यहाँ पे लगाई गई है। ये खत है जो लिखे गए थे उन दिनों और आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी ने यहाँ पर जो है पूरे म्यूज़ियम को सजा के रखा है और ये मेरे साथ मुकामी यहाँ पे शहरी मौजूद है यहाँ पे इनसे बात करेंगे। जी थोड़ा सा हमें बताइए इस म्यूज़ियम के बारे में जो आज इनॉग्रेट किया। थैंक यू मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो म्यूज़ियम है ये बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है क्योंकि इस म्यूज़ियम के अंदर एक खास बात मैं देख रहा था अभी के 10 से 15 मिनट में पूरी कश्मीर की हिस्ट्री को आप जान सकते हो कि यहाँ क्या हुआ है। यहाँ जो इंडो पाक जो वार हुई हैं चाहे वो 1947 हो, 1965 हो, 1962 हो, 1971 हो, 1984 हो, 1999 हो, 2000 हो या करगिल वार जैसे जितने भी वार्स हुए हैं उन सारी वार्स का जो है वो इसमें जिक्र किया गया है और जो हमारे फौजी जवान हों या ऑफिसर हों जिनकी शहादत हमारे बॉर्डर्स पर मुल्क के लिए हुई हैं तो उनका भी इसमें एक बहुत जिक्र किया गया है। तो मुझे लगता है कि मैं सारे लोगों से जितने भी कश्मीर के सयाह हूँ या बैरूनी ममालिक या रियासत से सयाह यहाँ गुलमर्ग में आते हैं तो उन सब से मैं यही कहूँगा कि एक बार आप इस म्यूज़ियम का जो है वो विज़िट करें ताकि आपको पूरे जो कश्मीर जम्मू कश्मीर का जो नक्शा है जो जम्मू कश्मीर की तारीख है जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है इंडो पाक को लेकर तो वो आपको अच्छे तरीके से उसके बारे में मालूमात हो सके। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार सारे इस म्यूज़ियम का विज़िट करें। जी बिल्कुल ये म्यूज़ियम इसलिए यहाँ पर कायम किया गया है ताकि इंडियन आर्मी को और भी करीब से जाना जा सके, उनकी जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर जानी जा सके। गुलमर्ग से मैं याकूब लाला।